अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। मौसम बहुत सुहाना है, तो इस तरह करते हैं कि आज चल के बनाते हैं बनाना ब्रेड। तो आइए चल के देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज कुछ मज़ेदार बनाने को दिल कर रहा है, तो जनाब आज हम बना रहे हैं बनाना ब्रेड। तो ये मेरे पास 3 अदद बनाना है, थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक हो गया। ये वनीला एसेंस, ये रूम टेम्परेचर पे हमने ले लिया है 1 एग, और ये हमने ले ली है जनाब छोटी इलायची पिसी हुई। ये हमने लिया है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, ठीक हो गया। और इसके साथ ये 1.5 कप मैंने लिया है ऑयल। ये 1 कप जो है उसका आधा लिया है मैंने कैस्टर शुगर, ठीक हो गया। और इसी कप का 1.5 कप मैदा लिया। ओके जी, तो अब हम पहले अपने बनाना मैश करते हैं। ओके जनाब, मैंने बनाना जो है वो छील लिए हैं, अब मैं इनको करूँगी मैश अच्छे से। जब रेसिपी तैयार करने से पहले हम अपना जो ओवन है वो प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री पे, ठीक हो गया। ये मैं 180 डिग्री पे लेके जा रही हूँ। ये देखें, ये 180 डिग्री पे आ गया, ठीक हो गया। और इसके बाद ये दोनों, सॉरी, ये मेरा है यहाँ पे नीचे वाली ग्रिल और फैन जो है वो ऑन है, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऊपर कर लूँगी, दोनों ग्रिल और फैन ऑन, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम टेम्परेचर सेट करते हैं, और ये मैंने 5 मिनट का टेम्परेचर इस पर लगा दिया, ठीक हो गया। और अब मैं अपनी रेसिपी जो है वो तैयार करूँगी, और उतनी देर तक मेरा जो ओवन है वो प्री हीट हो गया होगा। खाना जो है वो अच्छी तरह मैश हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1.5 कप, ठीक हो गया, ये मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। इसमें ऑयल डाल के अच्छे से ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स कर दूँगी बनाना में। उसके बाद हम डालेंगे अपना एग। ये देखिए, ऑयल हमने इसमें डाल दिया, ऑयल हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 अदद एग डालेंगे, ठीक है। ये 1 एग डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। हमारा एग भी मिक्स हो गया, अब मैं डालूंगी इसमें वनीला एसेंस 4 से 5 ड्रॉप। इसके साथ ही मैं अपनी छोटी इलायची ये डाल दूंगी। अच्छा, कुछ लोग दालचीनी का पाउडर भी डालते हैं, दालचीनी का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, पर मुझे अच्छी छोटी इलायची ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जनाब साथ में हमारा आ गया बेकिंग सोडा। अब इन सबको इकट्ठा मिक्स करूँगी मैं। ओके जनाब, ये मेरे पास है नमक 1 चुटकी, ठीक हो गया। ये देखें, ये नमक इसके अंदर 1 चुटकी डाल दूँगी, और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अपनी शुगर, ये ठीक हो गया। इसको इस तरह से शुगर को हल्की हल्की डालते जाना है और मिक्स करते जाना है आपने। अच्छी आप शुगर भी मिक्स हो गई है, और मेरे एक्चुअली एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मैदा, तो शुगर मिक्स हो गया हमारी। अब हम हल्का हल्का मैदा इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो मैं मैदा मिक्स करके तो फिर आपको पैन में डाल के दिखाती हूँ। ओके ओके जी, मैदा पूरा मिक्स अच्छे से हो गया। अब मैंने ये लिया है पैन, ठीक है, और इसको ऑयलिंग करके, अगर तो बटर पेपर है तो वेल एंड गुड, आपका बहुत इजीली निकल आएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चारों तरफ अंदर अच्छी तरह ऑयल लगा लें, ठीक हो गया। उसके बाद ये अपना जो है मिक्सचर, ये इसमें डालेंगे, और तकरीबन 180 डिग्री पे आपने 20 से 25 मिनट इसको बेक करना है, ठीक हो गया। तो मैं इसके अंदर डाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ जी। अब ये फाइनल लुक आपकी बेक होने से पहले। तो अब अगर आपकी मर्ज़ी है इसमें चॉकलेट चिप्स डालने हैं तो डालने, अलबत्ता मैं नहीं डालती। तो अब हम इसको करते हैं बेक। ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गई ब्रेड, और ये मैंने कर दिया इसको बंद, दरमियान में आपने रखना है, ठीक हो गया। और ये चला गया टाइम,
20 से 25 मिनट। ये देखिए ठीक हो गया, ये देखिए 20 से 25 मिनट बाद इंशाल्लाह हमारी ब्रेड बहुत मज़े की बनेगी, आई होप सो। तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाना ब्रेड फूल गई। देखें पर जब ऐसे क्रैक्स आने शुरू हो जाए ना, इट मींस कि आपकी जो भी आपने बेक करने के रखा है, आपने केक रखा, आपने ब्रेड रखी है, कुछ भी इस तरह क्रैक्स आने शुरू हो जाए ना, इट मींस कि आपकी रेसिपी परफेक्ट है। ओके जी, टाइम भी पूरा होने वाला है। ओके जी, हम अब चेक करते हैं। मेरा काका ओवन को हाथ लगाने लगा था। देखिए बिल्कुल साफ निकली है, तो इट मींस कि हमारी बनाना ब्रेड रेडी है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी रूम टेम्परेचर पे, इसको थोड़ा क्या कहते हैं गर्मी इसकी कम करूंगी और फिर इसको बाहर निकालूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी कि बहुत ही अच्छी बनी है हमारी बनाना ब्रेड। और देखें पूरी भी बिल्कुल ठीक है और ऊपर से क्रिस्पी। आई होप सो कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम आईडी, और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके जी, कहा आपको एक बार बाहर निकाल के भी दिखा दूं कि हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल पक चुकी है। कहाँ गया, ये देखिए ये ठीक हो गया, ये ठीक, ये। तो जनाब अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और फिर कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, और पीछे मेरी बेटी की आवाज़ आएंगी। जनाब तो मैंने बाहर निकाल लिया, अब मैं इसके पीसेस करती हूँ। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पीसेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ऐसे लगते साथ ही कट। ओके जनाब, ये देखिए पीसेस कट हो गए हैं, मेरी बेटी नीचे बैठी है, पीसेस कट हो गए हैं, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, हाथ लगाते टूट रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े की बनी है रेसिपी और आई होप सो कि आपको अच्छी लगेगी।